दोस्तों, इस मूवी रिलीज होने से पहले यही चर्चा चालू थी कि इसके VFX किसने बनाया है, प्लीज उसके दर्शन दिला दो। तो आज मैं आपको उसी इंसान से मिलाने जा रहा हूँ। सो वेल, हेलो मेरे यारो। आदिपुरुष मूवी एक मेगा बजट मूवी है और लोगों ने जब इस मूवी को थिएटर में देखा तो इसमें बहुत सारी कमियां दिखी और खासकर लोगों को इसकी डायलॉग्स और कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। और लोगों ने जब आदिपुरुष मूवी देखा तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि VFX किसने बनाया, आखिर किसने इस फिल्म के VFX की कमान संभाला था। तो आदिपुरुष की विजुअल इफेक्ट और VFX की देखरेख 25 साल के एक इंसान के तरफ है जिसका नाम प्रसाद सुतर है और इसने आदिपुरुष के VFX और CGI के लिए 250 से 300 करोड़ रुपए लिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है जिन्होंने तानाजी, बाजीराव मस्तानी, डॉन 2 और राजनीति जैसे कई सारे अच्छे फिल्म में काम किया है। और पता नहीं क्यों आदिपुरुष में इतना बेकार काम किया है कि उनको कोई माफ नहीं करेगा। और आप ये जान के शॉक्ड हो जाओगे कि प्रसाद सुतार को बाजीराव मस्तानी के स्पेशल इफेक्ट और तानाजी के विजुअल इफेक्ट के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। जिसने इतने सारे अच्छे मूवीज में काम किया है उसने एक इतना घटिया मूवी बनाया है। मेरे हिसाब से इस मूवी को बायकॉट नहीं बैन कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, प्रसाद सुतार को कितने तोपों की सलामी मिलनी चाहिए, मुझे कमेंट में बताओ। और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।